बीजेपी को ही टारगेट कर रही है हिंसा। पिछले दो दिनों में आपने देखा कि जिस तरीके से अग्निपथ की आग ट्रेन पे सरकारी संपत्तियों पर आग को किस तरीके से आग के हवाले कर दिया जा रहा है, ट्रेनें द वार्निंग ट्रेन बनी हुई है। और पिछले दो दिनों में सबसे ज़्यादा हमला बीजेपी के नेताओं पर हुआ है, खास करके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर हुआ है। तो ऐसे में केंद्र सरकार की अपनी योजना अग्निपथ योजना और अग्निवीर योजना कहीं ना कहीं अब मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। अब आइए हम आपको तस्वीर दिखाते हैं बीजेपी कार्यालय की, और यहाँ पर बीजेपी ऑफिस के बाहर सुरक्षा कड़ी है, तमाम जो अधिकारी हैं वो इस वक्त पहुँच चुके हैं। और देखिए जो तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और खुद लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं, तमाम जो अधिकारी हैं वो DSP लॉ एंड ऑर्डर मौजूद है यहाँ पर, क्योंकि बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पे हुआ था हमला, उसके बाद अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में नेताओं के ऊपर हमला हुआ, और उसके साथ ही ये बीजेपी का दफ्तर जो इस वक्त काफ़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चाक चौबंद व्यवस्था फुल सिक्योरिटी कह सकते हैं। और आज बिहार बंद है, बिहार बंद है। और राजधानी पटना की ये तस्वीर जहाँ पर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं लॉ एंड ऑर्डर के वो इस वक्त मौजूद हैं, और बीजेपी को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, इस टारगेट को देखते हुए बीजेपी प्रदेश कार्यालय की सुरक्षा इस वक्त इतनी कड़ी कर दी जाएगी ये शायद अभी किसी ने नहीं सोचा होगा। वजह बिल्कुल साफ है कि राजधानी पटना में हालांकि उस तरीके के उपद्रव नहीं हुए जो अलग अलग बिहार के अलग अलग जिलों में देखने को मिले हैं, ट्रेनों को जिस तरीके से आग के हवाले कर दिया गया है, ट्रेनें द वार्निंग ट्रेन बन गई, और ये सब कुछ हुआ अग्निपथ योजना अग्निवीर योजना जो सेना में भर्ती को लेकर सरकार की जो योजना है जो स्कीम है उसके तहत हुआ है। तमाम जो बेरोजगार युवा संगठन हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, और अब राजनीतिक संगठनों ने भी कहीं ना कहीं, तो आइए हम आपको पहले वो लाइव में दिखा देंगे किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की पूरी टीम इस वक्त बीजेपी दफ्तर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, तमाम आने जाने वालों पर खास निगरानी। और फिलहाल यहाँ पर ये नज़ारा है, इस वक्त सुबह का है, और सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल कड़ी, और क्या कुछ इनपुट है ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इनपुट ये बताता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। इसी टारगेट के तहत आज बिहार बंद में कहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर कोई अटैक ना हो, कोई अप्रिय हिंसा ना हो, एंटी सोशल एलिमेंट्स का कोई ऐसा जमावड़ा ना लगे, इसलिए इन तमाम चीज़ों को देखते हुए बीजेपी दफ्तर पर ये फुल टाइट सिक्योरिटी आप देख रहे हैं, ये सुरक्षा इसलिए क्योंकि बिहार बंद में उपद्रवी कहीं इसको अपना शिकार न बनाए। सुबह की तस्वीर है ये, पूरा दिन बाकी है। पूरे बिहार में पिछले दो दिनों से जो हो रहा है वो आपने देखा, हर स्टेशन पर गाड़ियां किस तरीके से धू धू करके जला दी गई। ऐसे में आज जब खुला ऐलान है कि बिहार बंद होगा, हालांकि बिहार बंद का स्वतः असर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन सुबह का वक्त है। इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो स्कूल हैं वो बंद कर दिए गए, जिसकी वजह से सड़कों पर परिचालन सुबह के वक्त में अमूमन बसें सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की दौड़ती थी, इस लिहाज से थोड़ी सी संख्या कम है। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलेगा हम आपको ताज़ा अपडेट कराते रहेंगे, बताते रहेंगे कि बिहार में बंद का कितना असर है, क्या असर है। लेकिन असर से पहले बीजेपी दफ्तर में जिस तरीके से परिंदा भी पर नहीं मार सकता उस तरीके की सिक्योरिटी ये दर्शाता है कि दो बड़े पदाधिकारी लॉ एंड ऑर्डर के मजिस्ट्रेट खुद यहाँ मौजूद हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि सुरक्षा कितनी कड़ी होगी। कौन कौन से जवान मौजूद हैं आपको बता दें, बिहार पुलिस मौजूद है, CRP की पुलिस मौजूद है, BSAP की पुलिस मौजूद है, महिला बटालियन को भी तैनात कर दिया गया है, इसलिए क्योंकि अगर हिंसा करने वालों में अगर कोई महिलाएं भी होगी तो उनके ऊपर भी महिला पुलिस तैयारी कर के बैठी है।
तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक फुल सिक्योरिटी, फुल टाइट व्यवस्था, अंदर में लॉ एंड ऑर्डर के दो बड़े अफसर गए हैं, मीटिंग कर रहे हैं पहले से ही, कल से गाड़ियां सीआरपी की लगी हैं। तो अब ये सुरक्षा ये बताता है कि बीजेपी दफ्तर में किस तरीके से सुरक्षा है। तो आपने देखा कि ये तस्वीर है बीजेपी दफ्तर की, जहां पर सीआरपी के जो बटालियन है वो मौजूद हैं। सेना बहाली में अग्निपथ और अग्निवीर की जो योजना है वो सरकार के लिए कहीं ना कहीं गले की हड्डी साबित हो रही है। सरकार का जो विरोध है वो युवा कर रहे हैं, और अब उन युवाओं को अब विपक्षी दलों के संगठन का भी समर्थन है। बिहार में बीजेपी एनडीए एक है, लेकिन आरजेडी, भाकपा माले, जाप, कांग्रेस, लगभग ये देखिए तमाम जो अधिकारी आई है, हम उसे जानने की भी कोशिश करेंगे। सर काफी फुल टाइट सिक्योरिटी है, सर टाइट सिक्योरिटी है सुबह से 6 बजे से, कुछ नहीं बोल रहा है। चलिए ठीक है, दिन ढलेगा सर भी बोलना शुरू कर देंगे, बहुत वक्त है अभी। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अभी शुरुआत है, मीटिंग है, लेकिन ये तस्वीर शायद आपने पहले कभी बीजेपी दफ्तर में नहीं देखी होगी। केंद्र की सरकार बीजेपी की सरकार है, बिहार में भी बीजेपी की सरकार है, दोनों तरफ डबल इंजन की सरकार है, और सरकार को सुरक्षा किस तरीके से देखिए, हम आपको दिन भर दिखाएंगे, बताएंगे कि पिछले 2 दिनों का ये असर है कि आज तीसरे दिन जब बिहार बंद बुलाया गया है, और बिहार बंद के दिन जो आपने देखा कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी यहाँ मौजूद थे, खुद एसडीएम साहब यहाँ पे मौजूद थे, तो दो बड़े अधिकारियों का पार्टी दफ्तर में आना ये बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ इनपुट जरूर है, कोई सूचना जरूर है कि बीजेपी को टारगेट करने के दौरान बीजेपी ऑफिस को भी टारगेट किया जा सकता है। तो ये तस्वीर है बीजेपी की, सुबह के 9:10 हुए हैं। अमूमन जब बंद का ऐलान होता है तो उसका असर 9 बजे के बाद दिखना शुरू हो जाता है, 9:10 हुए हैं और अभी से ही असर दिखने लगा है, और तभी तो सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो ये सुरक्षा व्यवस्था टाइट, फुल सिक्योरिटी जिसको बोल सकते हैं, और इस सिक्योरिटी के बीच में बीजेपी दफ्तर के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर, हम अपने सहयोगी चंदन को कहें थोड़ा पीछे आ जाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, जेपी नड्डा की तस्वीर, और ये केंद्र सरकार की जो योजना है उन्हीं के लिए गले की हड्डी साबित हो रही है। अग्निपथ, अग्निवीर सेना में भर्ती की जो योजना है वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए अब मुसीबत का सबब बनती जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस मुसीबत के सबब के बीच अभी आज बिहार बंद है। आपने देखा कि कल चिराग पासवान ने भी कहा था कि कोई भी कानून बनाने से पहले उसकी सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, कोई कानून तब बने जब एक आम विमर्श हो। तो ये जो दो स्कीम है, अग्निपथ और अग्निवीर, ये सरकार के खिलाफ इसलिए है और उसी तर्ज पे है जिस तरीके से किसान का आंदोलन हुआ था। सरकार कहती रही कि किसान आंदोलन बहुत अच्छा है, सरकार ये कहती रही कि हम समझाने की कोशिश करेंगे, सरकार ये कहती रही कि हम किसान आंदोलन के जरिए किसानों को मुनाफा और फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन क्या हश्र हुआ ये सोचिए। अंततः सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, केंद्र सरकार ने अपनी ही बनाई योजना वापस कर ली और जीत किसानों की हुई। ऐसे में देखना होगा कि अग्निवीर और अग्निपथ की जो योजना है, जो सरकार ये कह रही है कि इससे बेरोजगारी दूर होगी, लेकिन जो छात्र संगठन है, जो विपक्ष है, वो ये कह रहा है कि ये योजना किसी भी एंगल से बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकती, ये किसी भी तरीके से उन युवाओं को रोजगार नहीं दे सकती, ये एक लॉलीपॉप प्लान है। तो इस लॉलीपॉप प्लान के खिलाफ आज बिहार बंद है। इस वक्त लाइव में बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, जो लोग अभी जुड़े हैं हम उनको बता दें एक बार फिर से कि हम बीजेपी दफ्तर में खड़े हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज बिहार बंद में राजधानी पटना में बीजेपी ऑफिस के बाहर किस तरीके से सुरक्षा कड़ी है। तस्वीरों में आप देखिए, ये है सुरक्षा, ये है सुरक्षा व्यवस्था, और इस सुरक्षा व्यवस्था के तहत तमाम जो सिक्योरिटी गार्ड है, सुरक्षाकर्मी है, सीआरपी देश के जवान, बिहार पुलिस, अलग अलग जो पुलिस के जवान हैं वो इस वक्त मौजूद हैं।
हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। हम आपको दिन भर हर अपडेट से रूबरू कराएंगे। हमारे सहयोगी चंदन के साथ अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।